कि चंद्रावल अपने पति के वियोग में परेशान है और अपनी पड़ोसिन से कहती है, इससे आगे देखें और सुने। इत चंद्रावल तड़पती है रे भैया, सुन मेरे वीरन सुन मेरे, कोई आगे सुनाऊं गंगा हाल जी। उठ उठ राजा चली दयो रे भैया, सुन मेरे दादा सुन मेरे, कोई महल न पहुंचो आएगी। बत देखो रानी मेरे भैया, सुन मेरे वीरन सुन मेरे, कोई उठ बैठी बाकी नारी जी। स्वामी, आप जब भी दरबार से आते थे तो आपका चेहरा फूल की तरह खिलता हुआ दिखाई देता था, परंतु महाराज आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, ऐसी क्या बात है? नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं स्वामी, आप जरूर कुछ मुझसे छुपा रहे हो, बताओ न पिया क्या बात है? महारानी, मेरा चेहरा उदास क्यों है यही सुनना चाहती हो तो सुनो प्रिय। सुनाइए महाराज। महारानी, आज अपने राज्य में एक लड़की को एक मुसाफिर लेकर आया, फिर उस लड़की के भाई ढूंढते हुए आए और उस मुसाफिर से झगड़ने लगे। तब हमारा गुप्तचर उन पांचों को लेकर दरबार में आया। महाराज, इसमें इतने चिंतित होने की क्या बात है? राज्य में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। नहीं महारानी, बात लड़ाई या झगड़े की नहीं है। तो फिर क्या बात है महाराज, मुझे भी तो बताओ। प्रिय, उस लड़की के साथ जो परदेसी है उसका चेहरा और अपने दामाद लाखा बंजारे का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। क्या, लाखा बंजारा? वो यहाँ क्या करेगा? वो होता तो अपने महलों में आता और अपनी बेटी रूपावती का कुशल समाचार सुनाता। नहीं महारानी, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, मुझे तो वो लाखा बंजारा ही लग रहा। महाराज, ज्यादा सोचना विचारना भी अच्छा नहीं होता, अब आप विश्राम कीजिए। महाराज, अगर वो परदेसी लाखा ही हुआ तो भी वो तुम्हारे सामने ही आएगा। महाराज कह रहे थे कि वो परदेसी लाखा बंजारे जैसा लग रहा था, अगर वो लाखा बंजारा ही है तो मेरी बेटी कहाँ है और इसके साथ में ये लड़की कौन है, मुझे इसका पता करना चाहिए। राजा पंचो सोए गयो रे, सुनो भैया सुनिए मेरे दादा सुनिए, कोई आगे सुनाऊं हाल जी। चिंता में रानी पड़ गई रे भैया, सुन मेरे वीरन सुन मेरे, कोई लाखे देखन जाएगी। हे भगवान,
वहां तो मेरे प्राण सुंदरा ने बचा लिए, परंतु राजा ने पहचान लिया तो यहाँ मुझे कौन बचाएगा? क्या सोच रहे हो परदेसी? कुछ नहीं सुंदरा, सोच रहा था कि कल क्या होगा। अरे परदेसी, कल के बारे में क्या सोचना, कल होगा वो देखा जाएगा, आज और इस रात के बारे में सोचो ना। ए देखो ना कैसी सुहानी चांदनी रात है। मन में घबराए प्यार मुझसे कर ले रे।
कोनो प्यार देखो करी रहे रे सुनो भैया सुनिए मेरे भैया सुनिए कोई रानी रही है निहार जी पहचाने लाखा को चली दई रे वो भूप की नारी भैया भूप की नारी कोई भारी दिल घबराए जी वहां से रानी चली गई रे भैया सुन मेरे दादा सुन मेरे कोई महल न पहुंची आए जी अरे रामू भैया हाँ सुंदर भैया देखो पिताजी का सारा जीवन गुजर गया मुसाफिरों को ठगते ठगते फिर भी वो पैसे वाले नहीं हुए हाँ तुम ठीक कहते हो सुंदर भैया बुरा काम तो बुरा ही होता है अगर हम धन के लालच में न पड़ते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता तुम ठीक कहते हो भैया रामू भैया वचंदर आ भैया इंदर भैया पिताजी तो आए नहीं अब क्या होगा होगा क्या पासी होगी भैया मचंदर आ भैया इंदर ये पासी क्या होती है इंदर भैया पासी मुझे भी नहीं मालूम क्या होती है मैंने कभी नहीं गाई अरे गधो जिसे फांसी लगती है वो मर जाता है मचंदर भैया अगर राजा ने फांसी लगवाई तो हम सब मर जाएंगे क्या इंदर भैया हम भी मर जाएंगे भैया मर के कहाँ जाते हैं चुप बेवकूफ मचंदर भैया हाँ इंदर भैया अपने पिताजी नहीं आए तो अच्छा हुआ अच्छा क्या हुआ बेवकूफ भैया हम राजा से कह देंगे कि हम सबको ठगना लूटना पिताजी ने सिखाया है मचंदर भैया ये सब कहने से क्या होगा इंदर भैया महाराज पिताजी को फांसी लगवा देंगे हम सब बच जाएंगे अरे गधो जब पिताजी मर जाएंगे तो हमारी शादी का क्या होगा तुम ठीक कहते हो रामू भैया अब ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए सब मिलके रटो रघुराई विपत्ति के सिंचाई न फांसी है जावे मिलके रटो रघुराई विपत्ति के सिंचाई न फांसी है जावे प्रभु को
पहले प्रभु को ध्यान लगाओ। ए सीताराम, ए राधे श्याम, सब मिले प्रभु को ध्यान लगाओ, सब मिले प्रभु को ध्यान लगाओ, सब बंधन कट जाई, विपत्ति के सिचाई न फांसी है जावे। बचाई दीन बंधु हमें लियो बचाई। ए सीताराम, ए लाडे चा, दीन बंधु हमें लियो बचाई, दीन बंधु हमें लियो बचाई, ब्याह दियो करवाई, विपत्ति के सिचाई न फांसी है जावे। कन्हाई विपत्ति के सिचाई न फांसी है जावे। मिलके रटो रघुराई, विपत्ति के सिचाई न फांसी है जावे। मिलके रटो रघुराई, विपत्ति के सिचाई न फांसी है जावे। अंदर आ भैया, अंदर रामू भैया ठीक ही तो कह रहा है, अपनी शादी का क्या होगा। ऐसे चारों कह रहे रे भैया, सुन मेरे वीरन सुन मेरे, कोई आपस में बतलाएगी। चंदू ठग परेशान है रे, सुनो भैयो सुनिए मेरे दादा सुनिए, कोई बेटन की चिंता रही छाएगी। बेटन की याद कौन दादा, सुन मेरे सुन भैया सुनिए, कोई सुखी रहो बाको गात जी।
अरे ओ बेटी वसुंधरा, सुंदरा। जी पिताजी, अभी आई। क्या बात है? वसुंधरा, देखो अभी तक तुम्हारे भाई लौट कर नहीं आए, जाने कहाँ हैं, किस हाल में, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हो सकता है पिताजी आपके लिए दूसरी सोने की चिड़िया ला रहे हो। वसुंधरा, अब तू चुप हो जा, तू हमेशा जले पर नमक छिड़कती रहती है। क्यों, कायदे की बात कही तो जले पर नमक छिड़क रही हूँ। बस बस बस, अब तू चुप हो जा। परदेसी चला गया और मेरी बेटी सुंदरा को भी ले गया। न जाने मेरी बेटी कहाँ भटकती होगी और किस हाल में होगी। पिताजी, आप ही कुछ शगुन विचार कर पता लगाएं कि बहन सुंदरा और भाई कहाँ हैं। अरे बेटी, जब से मेरी सुंदरा को वो परदेसी ले गया है, तब से मुझे अपनी ज्योतिष पर भरोसा नहीं रहा। पिताजी, आप इतने हताश क्यों हो रहे हैं? अभी मैं हूँ ना। हाँ बेटी, तू ही कुछ करिश्मा दिखा। पिताजी, मैंने भी उस परदेसी को यहाँ न बुलाया तो मेरा भी नाम वसुंधरा नहीं। हाँ बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पिताजी, वो परदेशी शोभा नगरी में है। मेरी बहन और भाई उस परदेसी के साथ मुसीबत में फंसे हुए हैं। मुसीबत में? हाँ पिताजी, वो मुसीबत में है। बेटी, अब क्या होगा? बेटी, तू अपने भाई और बहन को उस मुसीबत से निकाल। अच्छा पिताजी, आप चिंता न करें। शरद पूनम की रात को मैं अपना जादू चलाकर सबको बुला लूंगी। ठीक है बेटी, तो मैं शरद पूर्णिमा तक इंतजार करूंगा। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, ठीक है। एक बार यहाँ आ तो जा परदेशी, फिर तो मैं हमेशा के लिए तुझे अपना बना लूंगी। परदेसी तेरी याद में भूख लगे ना प्यास, मछली सी तड़फू यहाँ मोय लगी मिलन की आस। तुम
इधर वसुंधरा सिसकत है रे सुनो भैया सुनिए मेरे भैया सुनिए कोई काटे कटत नाए रात जी परदेसी की याद कोने वो ठग की रे बेटी गंगा ठग की रे बेटी कोई दिल ही दिल रही रोए जी उतरानिया में सुनू मेरे कोई आगे सुनाऊं हाल जी महाराज कल आप उस परदेसी के बारे में कह रहे थे कि वो मुझे लाखा बंजारा मालूम होता है। हाँ रानी, मुझे तो वो ऐसा ही लगता है। स्वामी, आपसे सुनकर मुझसे रुका नहीं गया। मैं जब उसे देखने गई, तो मैंने उस परदेसी को देखा, तो वो लड़की बाहों में बाहें डालकर प्यार कर रही थी। महारानी, अच्छा आप बताओ, आपको क्या लगा? वो लाखा बंजारा है या कोई और है? महाराज, यकीन तो मुझे भी हो रहा है कि यह लाखा बंजारा ही है, परंतु ये लड़की कौन है? हो न हो, दाल में कुछ काला है। प्रिय, दाल में काला तो मुझे भी लग रहा है। जब वो लड़की इसके साथ है तो फिर अपनी बेटी रूपावती कहाँ है? महारानी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी, आप उस लड़की व उस परदेसी का फैसला बाद में करना, पहले अपनी बेटी रूपा के बारे में पूछना। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। हाँ प्रिय, अपनी बेटी की चिंता तो मुझे भी हो रही है, आखिर मैं भी तो उसका पिता हूँ। महाराज, मैंने रूपावती को इन हाथों से पाल पोस करके बड़ा किया था। स्वामी, अब मुझे चैन नहीं पड़ता है। प्रिय, आप ज्यादा व्याकुल न हो, आखिर रूपा मेरी भी तो बेटी है। अच्छा, अब मैं दरबार के लिए चलता हूँ। स्वामी, मेरी बात का ध्यान रखना। वहां से राजा चले दयो रे सुनो भैया सुनिए मेरे भैया सुनिए कोई भूप कचेरी में आए जी ढूंढन को चली दई रे चंद्रावली नारी चंद्रावली नारी कोई आगे सुनाऊं गंगा हाल जी पति मिलन की आसो है रे सुनो भैया सुनिए मेरे दादा सुनिए कोई मन में बहुत उदास जी
अरे बहन, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? मेरे पति का नाम लाखा बंजारा है। नहीं बहन, हमने किसी को नहीं देखा। सामने वो कुछ लोग खड़े हैं, आप उनसे जाके पूछ लो। भैया, ओ भैया। हाँ बहन, क्या बात है? क्या तुमने मेरे पति को देखा है? क्या नाम है तुम्हारे पति का? भैया, मेरे पति का नाम लाखा बंजारा है। नहीं बहन, हमने तो नहीं देखा, आप आगे जाकर पता कर लो। हे भगवान, हाँ मैं उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढूं? अब तो सूरज भी छिपने वाला है, सुबह से शाम हो गई, कोई भी पता नहीं है, हमें क्या करूं? चलते चलते थक गई, पैरों में भी दर्द हो रहा है। अब मैं इस पेड़ के नीचे विश्राम करती हूँ। गांव वालों, मैं तो मरूंगा। मैं तो मरूंगा। अरे चाचा, तुम इसे उतारो, कैसे उतरेगा? अरे भैया लाला, नीचे उतर यार, काय को मरे वो चाह रहे हो तू, काय को उतर रहा? मैं तो मरूंगा। अरे उतर यार भैया, उतर यार लाला। उतारो भाई, उतारो, इसे उतारो। नीचे उतर यार, मर जाओ बेटा। मेरी मर्जी, मैं तो मरूंगा। चाचा, हेलो चाचा। हाँ काय भैया, क्या हो गया यहाँ पे? अरे भैया, एक आपदे तो हम भुगत रहे हैं, तो तू आएगो। अरे ते हाथ जो तू भैया, तू यहाँ से निकल ले, उसे ले लाला। अरे भाई, तू देख ना रहो, वो चढ़ रहे हो, तेरे बाप ऊपर लटको, वो पी के चढ़ेगा दारू, और दूसरे तू आएगो यहाँ। हम पूरा गांव झूल रहे हैं, जो उतर ही ना रहो। बस बस इतनी सी बात? हाँ बोलो, एक बार में उतार दू? एक बार में? हाँ भैया, ऐसा कहा तू भी मंत्र? यही तो बात है। अच्छा है तो भैया उतार दे लाला, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। चाचा थोड़ी सी तमाकू खिला दो। तमाकू? हाँ। अरे ले बेटा, तमाकू तो मेरे पास ही है, ये ले। अरे ओए ओए, क्या बात है भाई? नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा भाई, मैं तो मरूंगा। नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा भाई। मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी सुन ले। नीचे कर, देख देख, ये देख मेरे हाथ में क्या है। क्या है भाई तेरे हाथ में? ले गौर से देख मेरे हाथ में क्या है। मैं अभी देख, अभी पेड़ काट। ओए भाई, पेड़ मत काटना भाई, मैं नीचे उतर रहा हूँ। ओए मैं गिर जाऊंगा यार, पेड़ मत काटना भाई, आ रहा हूँ। आ गया ना ढंग में। अरे वाह लाला, तुम्हें तो बड़ा हिंदी आने का यार, मजा मान ली तूने तो। क्या चल अपने तो यही झेलने। अरे मजा मान दिए तूने भाई। भाई यार, तू बहुत बढ़िया आदमी है यार, दोस्ती कर ले। ऐसी बढ़िया आदमी तो तू मेरा दोस्त है भाई। चलो चलो अकेले में बात करें। चलो चलो भाई। यार ये शराब भी क्या चीज है, जितनी पियो जितनी पियो जितनी पियो ना उतनी कम। सच सच कहूं भाई,
मुझे तो दुनिया में दो ही चीज अच्छी लगती है। क्या? एक तो दारू और दूसरी घर वाली। अरे यार क्या करूं, मेरे तो घर वाली नहीं है। यार क्यों दुखी होता है तू, तेरी भी घर वाली है ना। मेरी घर वाली? मेरी घर वाली तो है ही नहीं। अबे देख देख सामने, वो सही घर वाली बेटी है। यार ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे कुछ करना यार, मेरा भी टांगा मिलवा दे। अबे रुक ना, चल पहले इसके पास चलते हैं। चलो ओए, कौन है रद्दू? अरे यहाँ क्या कर रही है? भैया मैं एक किस्मत की मारी दुखिया हूँ और अपने पति को ढूंढ रही हूँ। क्या नाम है तेरे पति का? मेरे पति का नाम? भैया मेरे पति का नाम लाखा बंजारा है। क्या? लाखा बंजारा? भैया क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे ये है लाखा और मैं हूँ बंजारा। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ओए भैया भैया कह के गाली बनते, एक बार सैया कह के देख, लाखावा कर सबको भूल जाएगी। हट जाओ मेरे सामने से, मैं कहती हूँ हट जाओ, छोड़ दो मेरा हाथ, मेरे सही से हाथ मत लगाना, वरना वरना क्या कर लेगी? वरना मार दूंगी, ये पत्थर मार दूंगी। ओए हमको डरा दिया, मार डालो रे। अरे पकड़ ले इसको, अरे मार डालो। बचा सगा से आबरू ने सुनो भैया ने सुनिए, मेरे भैया सुनिए, कोई सुनो सभी नर नार जी। रोबत रोबत चली दई रे चंद्रावली नारी, चंद्रावली नारी, कोई कई मंदिर में आए जी। भगवान ये कैसा न्याय है तेरा, कैसा न्याय है, आखिर किस पाप की सजा मुझे दे रहे हो? हे भगवान एक किस्मत की मारी आपके द्वारे पर आई है। प्रभु आपने सभी की बिगड़ी बनाई है, आज इस दुखिया की भी बिगड़ी बना दो, मेरे पति से मुझे मिला दो नाथ। मेरे पति कहाँ है, मुझे उनसे मिला दो, उनसे मिला दो। मेरी खबर ले ओ गिरधारी, ये दुखिया शरण तुम्हारी। मेरी खबर ले ओ गिरधारी, ये दुखिया शरण।
बिना कैसे जीवित रहूंगी? मेरे पति को मुझसे मिला दो, मुझे मिला दो हे भगवान। कैसे रो रही हो और तुम कौन हो? क्या बात है मुझे बताओ। माँ जी, मैं एक दुखियारी किस्मत की मारी हूँ।
मेरे पति व्यापार करने गए थे, उन्हें काफी समय हो गया, वह लौट कर अभी तक नहीं आए, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। बेटी तुम चिंता मत करो, और देखो जो प्रभु के शरण में आता है भगवान उसके सब कष्ट दूर कर देते हैं। अरे लक्ष्मी कौन है ये? स्वामी ये एक दुखियारी है। दुखियों की तो सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बैठक नारायण। अरे लक्ष्मी इसे भोजन कराओ, ये बेचारी भूखी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। माँ जी मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है। नहीं बेटी, भला अपने बच्चों से कोई परेशान होता है? अब समय ज्यादा हो गया है, चलो बेटी विश्राम करो। ठीक है माँ जी। सटक नारायण। चिपक नारायण। अरे कौन हो तुम? कौन हो? चुप 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 भटक नारायण। आप ये क्या कर रहे हो? आप तो मेरे पिता के समान हो। हटो, दूर हट जाओ, मुझे दुखियारी पर रहम करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। माँ जी, माँ जी बचाओ, बचाओ, माँ जी बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलकर देखती हूँ। अरे पापी तू, कुछ तो ईश्वर से डर। अरे ये तो तेरी पुत्री के समान है, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। और बेटी तू भी मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था। भटक नारायण। बेटी बेटी अब तू यहां से चली जा, ऐसे राक्षसों से मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकती, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। ठीक है माँ जी मैं जाती हूँ। पंडितानी सिसकती रह गई रे भैया, सुनो मेरे वीरन सुनो मेरे, कोई चंद्रावल रोबती जाए जी। यहाँ से आगे हाल सुनो रे भैया, सुनो मेरे वीरन सुनो मेरे, कोई भाग पांच में दे सुनाए जी। तुझसे प्यार में अरे रे मेरी जान तू आ जा, मेरी बाहों में समा जा, कर लूं जी भर के तुझसे प्यार में।
कर लूं जी भर के तुझसे प्यार में। प्यारे कभी नहीं